तो देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें हैं, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सीधी, शहडोल और बालाघाट। इसके लिए भी नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मिशन 29 में जुटी बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। तो वहीं सीधी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पर्चा दाखिल करने से पहले भाजपा नेताओं ने नामांकन रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। सीधी पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बीजेपी उम्मीदवार राजेश मिश्रा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील भी करते हुए देखे गए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की चुनावी सभा, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मध्य प्रदेश में पूरी तरह से पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है। सीधी से मुख्यमंत्री ने एक तरह से चुनावी प्रचार का आगाज किया है। तो सीधी तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जब सीएम भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीधी से आज नामांकन दाखिल करेंगे राजेश मिश्रा और इनके पक्ष में वोट की अपील भी करते हुए देखे जा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार की नामांकन रैली जिसमें शामिल है सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सीधी की ये तस्वीरें हैं। सीधी में बीजेपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, उनका नामांकन आज दाखिल होना है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर देखिए पहुंचे हुए हैं। नामांकन रैली के बाद जनसभा भी आयोजित होगी जिसमें संबोधित भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि डिंडोरी भी आज जाएंगे सीएम और बालपुर में वीरांगना अवंतीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर स्मारक पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित है जिसमें शिरकत करेंगे सीएम। लेकिन चुनावी शंखनाद एक तरह से कह सकते हैं कि अब शुरू हो चुका है। सीधी क्योंकि 6 लोकसभा सीटें जहां पर पहले चरण में मतदान होना है मध्य प्रदेश में और उसके लिए सीधी से आगाज हुआ है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो शुरू हो चुका है। तो चुनावी शंखनाद क्या यार, क्या है, कहाँ से हो, कहाँ से हैं, साइड में मुंह पे हेलो रास्ता पकड़ा रास्ता आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो तो जनार्दन तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। जनार्दन, चुनावी शंखनाद हो चुका है जब सीएम भी आप पहुंचे हैं सीधी प्रत्याशी के लिए डॉक्टर राजेश मिश्रा के लिए समर्थन मांगने के लिए, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब कितनी देर बाद वहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को भी आज संबोधित करना है सीएम को। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अभी छत्रपाल स्टेडियम में आम सभा को संबोधित करके रथ से डॉक्टर राजेश मिश्रा लोकसभा प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराने के कलेक्ट्रेट के लिए निकल पड़े हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है सीधी जिले ही नहीं प्रदेश में पहला नामांकन आज सीधी से दाखिल हो रहा है डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सीधी के आगमन सीधी की धारा में पहली बार हुआ है, आज उनके द्वारा नामांकन दाखिल कराया जा रहा है। बिल्कुल जनार्दन, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, रोड शो की तस्वीरें हैं। ये रोड शो किस तरह से कहां कहां रूट जाएगा, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए जब सीएम यहां पर पहुंच रहे हैं? इस तरह से तैयारियां संपूर्ण कर ली गई है और भारी संख्या में सीधी तथा सिंगरौली जिले की जनता आज डॉक्टर मोहन यादव का सुनने के लिए पधारी है। साथ ही बाजे गाजे के साथ कलेक्ट्रेट के लिए निकल पड़े हैं और जहां कुछ ही देर में
पीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन के यादव जी के द्वारा डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का नामांकन दाखिल कराया जाएगा। बिल्कुल, नामांकन दाखिल होगा, ये भी बताइए कि किस तरह से कौन कौन वहां पर पहुंचेगा जहां नामांकन उनका दाखिल होगा राजेश मिश्रा का। तो जनार्दन से संपर्क टूट चुका है, बता दें सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो है। सीधी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा, तो कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को मैदान में उतारा है। और ये तस्वीरें देखिए, जब डॉक्टर राजेश मिश्रा के समर्थन के लिए आज पीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए, उनका रोड शो शुरू हो चुका है। ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अभिवादन स्वीकार करते हुए भी देखे जा रहे। तो सीधी में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा का आज नामांकन दाखिल होना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, जनसभा को भी वो संबोधित उन्होंने किया, और उसके बाद अब ये रैली शुरू हुई है।